हॉटस्टार। नमस्कार, स्वागत है आपका चक दे क्रिकेट में। मैं हूं राजमोहन तिवारी। क्रिकेट में अगर कोई सबसे बड़ा रोमांचक मैच का दर्जा प्राप्त करता है तो वह भारत और पाकिस्तान का मैच ही होता है। एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले भारत और पाकिस्तान जब क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होते हैं तो केवल मैदान पर मौजूद वह 22 खिलाड़ी ही जीत के लिए नहीं लड़ रहे होते, बल्कि वह मैच की लड़ाई मैदान से बाहर दोनों देशों के अवामों के बीच की भी होती है। 2008 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद हो चुकी है। केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हुई नजर आती हैं। सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इनके बीच की लड़ाई ही ऐसी है कि दुनिया को इन दोनों देशों के बीच के मैच का इंतजार रहता है। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर-19 विश्व कप में पहले भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 31 जनवरी को खेले गए चौथे क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में पहुंचे चार देशों में भारत पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है, जबकि पाकिस्तान सबसे नीचे चौथे नंबर पर। इसलिए सेमीफाइनल में 4 फरवरी को भारत और पाकिस्तान अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल खेलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की आप हॉटस्टार पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख सकते हैं और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच का भारतीय समयानुसार 1:30 बजे से प्रसारण होगा। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इसके पहले भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के बीच विश्व कप में अब तक कितने मैच हुए हैं और किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि पाकिस्तान की सीनियर टीम आज तक कभी भी भारतीय टीम से विश्व कप में मुकाबला नहीं जीत पाई है। यहाँ तक कि T20 विश्व कप में भी भारत पाकिस्तान के सामने अजय रहा है, लेकिन अंडर-19 टीम की कहानी थोड़ी सी अलग है। अगर पिछले कुछ मुकाबलों को छोड़ दें तो पहले पाकिस्तान का पलड़ा विश्व कप में भारत पर भारी रहा है। भारत और पाकिस्तान ने अंडर-19 विश्व कप में अब तक 9 बार एक दूसरे के खिलाफ खेला है, जिसमें से पाकिस्तान को 5 बार जीत मिली है, जबकि भारत को पाकिस्तान पर 4 बार जीत मिली है। हालांकि अगर पिछले 3 मुकाबलों की बात करें तो तीनों ही में भारत को जीत मिली है। पिछली बार 2018 में जब ये दोनों सेमीफाइनल में भिड़े थे तो भारत ने पाकिस्तान को शर्मनाक हार दी थी। वह मैच भारत ने 203 रनों से जीता था और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब भी जीता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहली बार अंडर-19 विश्व कप में भिड़ंत 1988 में, जो कि उस समय यूथ कप के नाम से जाना जाता था, उसमें हुई थी। इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 68 रनों से हराया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा बार अंडर-19 विश्व कप में भिड़ंत 10 वर्ष बाद 1998 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई, जहां भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, रितेंद्र सोढ़ी जैसे खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने वह मुकाबला 5 विकेट से जीता था। आपको इस मुकाबले की एक दिलचस्प बात बता दें कि वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से खेलने वाले इमरान ताहिर उस मैच में पाकिस्तान की तरफ से खेले थे। इसके बाद 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच लीग राउंड में एक बार फिर मुकाबला हुआ, जिसे पाकिस्तान ने 2 विकेट से जीता। 2004 में खेले गए दोनों देशों के बीच सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर 5 विकेट से हराया। 2006 में दोनों देश अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में आमने सामने हुए, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 38 रन से हराया था। इसके बाद 2010 के क्वार्टर फाइनल में दोनों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान को 2 विकेट से जीत मिली। लेकिन इसके बाद 2012, 2014 और 2018 में लगातार भारत ने जीत दर्ज की है। मैच की लड़ाई को स्वाभिमान की लड़ाई बना देने वाले भारत और पाकिस्तान की युवा अंडर-19 टीम जब 4 फरवरी को क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों पर दबाव होगा, जो कि अमूमन भारत और पाकिस्तान के मैच में होता है। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर इस विश्व कप में जिस तरह से भारतीय टीम ने अब तक प्रदर्शन किया, भारत का पलड़ा सेमीफाइनल में भी भारी लग रहा है। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। क्रिकेट से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।